तो यार 4 साल पहले मैंने ये जो चैनल की शुरुआत की थी, तब मेरे पास ये वाली कार्स सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मॉन्स्टर कार्स हुआ करती थी। तो यार आप लोगों ने मेरे को रिसेंटली बोला था कि ये कार्स के लिए अलग एक ट्रैक बनाने के लिए, तो गाइज ये मॉन्स्टर कार्स के लिए मैंने एक बहुत ही खतरनाक वाला ट्रैक बना दिया है। आज देखते हैं क्या ये बजट में आने वाली मॉन्स्टर कार्स हमारे ट्रैक के ऊपर चल पाएंगी या फिर नहीं। तो पहले कौन सी कार्स है ये दिखा देता हूँ। गाइज ये कार मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, ये है XLF X03 मॉन्स्टर कार। टायर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसके अंदर ब्रशलेस मोटर आती है। ये है WL टोज की 12428 मॉन्स्टर RC कार। ये है 104009 मॉन्स्टर कार, ये भी WL टॉयज की है। ये टॉर्नेडो एक्शन RC कार है, ये भी एक मॉन्स्टर कार है दोस्तों। अब ये थोड़ी सी छोटी है इन चारों के मुकाबले में। ये है टाइगर टेक सुपर सोनिक मॉन्स्टर कार। तो गाइस देख रहे हो, एक से बढ़कर एक बजट में आने वाली मॉन्स्टर कार्स को आज मैंने ले लिया है। देखते हैं आज इन सब के बीच में ट्रैक टेस्ट करके कौन सी कार जीत पाएगी। भाई बड़ा ही मजा आने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। चलो गाइस मैंने जो भी ट्रैक बनाया है वो आपको दिखा देता हूँ, बड़ा ही अनोखा ट्रैक है आज का। तो गाइस हमारे ट्रैक, अबे यार यहाँ पे तो आग काफी ज्यादा लग रही है। तो गाइस हमारे ट्रैक की शुरुआत होने वाली है यहाँ से। यहाँ पे 3 बड़े बड़े टायर्स मैंने रखे हैं, इसके अंदर रेत है, इसके अंदर मोटी वाली रेत है। यहाँ पे एकदम बड़े वाले कंकड़ मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने आग भी लगा दी है इन तीनों टायरों के अंदर। अगर हमारी कार इन तीनों टायरों में से बच के यहाँ पर आती है तो कार को जंप लगा के ये वाली आग के अंदर कूदना पड़ेगा। भाई आग बहुत ज्यादा तेज है यार, यहाँ पे कार को ये खतरनाक सी आग के अंदर से निकल के यहाँ पे आना पड़ेगा। गाइस आज का जो ट्रैक है बड़ा ही डेंजरस है यार, मेरे को लग रहा है आज कोई ना कोई कार जल के राख होने वाली है। तो फिर जो भी कार ये आग में से बच के यहाँ पर आएगी उसका सामना होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे देखो यार मैंने सपोर्टिंग के लिए कुछ भी नहीं लगाया है, कार को पूरी ताकत लगाकर ये ईंटों के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर हमारी कार इधर से यहाँ पे आएगी। यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा डिस्टेंस रखा है कार को, ये गैप के अंदर से निकल के कार को ये बड़े से लैडर के पास आना पड़ेगा। ये लैडर मैंने क्यों रखा है अभी बताता हूँ। हमारे पास आज जितनी भी कार्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उनकी पावर टेस्ट करने के लिए देखो कार को ये लैडर को धक्का मार के आगे लेके जाना होगा। तो यहाँ पे एक चीज देख लो गाइस, ये लैडर के नीचे बिल्कुल भी टायर वायर मैंने नहीं लगा रखे हैं। जो भी कार सबसे ज्यादा पावरफुल होगी वो ये लैडर को इस तरीके से पुश करके यहां तक लेके आएगी, उसके बाद कार को चढ़ाई करनी पड़ेगी ये खतरनाक से कीलों के ऊपर। ये देख रहे हो गाइस कितने ज्यादा शार्प है, कार को यहाँ से इसके ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे कार के टायर स्लिप भी हो सकते हैं, फिर कार आएगी हमारे ये वाले टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर से फिर कार को आना पड़ेगा यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा स्टीप सा स्लोप है, स्लोप के पास नीचे उतरने के बाद कार आएगी ये वाले लैडर के ऊपर। लैडर बड़ा ही डेंजर है भाई, देख रहे हो कितना ज्यादा गैप है इनके बीच में। तो कार यहाँ से यहाँ ऊपर चढ़ के यहां तक आना पड़ेगा, जो भी कार यहां तक पहुंचेगी वो होगी आज के ट्रैक की चैंपियन दोस्तों। सबसे पहले टाइगर टेक सुपरसोनिक मॉन्स्टर कार को मैं चलाने वाला हूं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आग की लपटें देखो कितनी ऊपर तक आ रही है। वो भाई ये क्या हो गया इसको, ये तो पहले टायर में ही आके फंस गई है। ओ तेरी भाई, इसको तो आग लगे जा रही है, दूसरे टायर में आ चुकी है, यहां से तीसरे टायर में इसने जंप लगा दिया है। तो देखते हैं गाइस इससे आगे ये निकल पाएगी या फिर नहीं। ओके ओ तेरी भाई, इसको क्या हो गया यार। ओ भाई ये काफी ज्यादा हीट हो चुकी है और इसका ESC हीट होने के कारण देखो यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रही है, साथ में इसके ऊपर का जो ये बॉडी कवर है ये कम्प्लीटली पिघल चुका है। ओ तेरी यार, आग काफी ज्यादा तेजी से लग रही थी। देखो मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली ओवरहीट हो चुकी है, मतलब अब ये कार चलने लायक बची नहीं। मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है ये कार को देखकर। तो अब टॉर्नेडो RC कार को मैं चलाने वाला हूँ, देखते हैं गाइस ये आग वाले ट्रैक के ऊपर कितनी दूर तक चल पाएगी। इसके तो टायर्स काफी ज्यादा बड़े हैं। ओके चलो इसको चलाते हैं, ये स्टार्ट कर दिया मैंने। भाई साहब मजा आ गया यार, काफी आराम से ये तीनों टायरों में से निकल गई थी पर यहाँ पर आकर ये रुक गई है। ओ तेरी भाई, ओ अरे ये देखो इसका ये वाला पार्ट भी कम्प्लीटली पिघल चुका है आग लगने के कारण। देखते हैं ये रैंप जंप करके आगे जो आग है उसके अंदर से कैसे निकलती है। ओके जंप कराने वाला हूँ इसको गाइस अभी मैं, ये जंप लगा दी इसने। ओ भाई क्या ही खतरनाक सी जंप थी यार,
इसको तो कम्प्लीटली आग लग चुकी है गाइस, इसकी आग बुझानी पड़ेगी वरना ये जल भी सकती है। ओके, आग बुझ भी चुकी है। अब देखो यार, इसके अंदर एक दिक्कत आ चुकी है, कार पूरी की पूरी जल के भस्म हो चुकी है यार। ये वाला पार्ट जल गया इसका और यहाँ पर आकर ये फंस गई है, ना तो आगे जा पा रही है ना तो पीछे जा पा रही है। भाई ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये कार के साथ। सैडली अब इसको भी ट्रैक से बाहर करना पड़ेगा मेरे को। अब ये डब्ल्यू अल्टो इसकी मॉन्स्टर कार को मैं चलाने वाला हूँ, देखते हैं इस आग में ये बच पाएगी या फिर ये भी जल के भस्म हो जाएगी। चलो चला रहा हूँ अभी मैं इसको, काफी आराम से पहले टायर में से निकल चुकी है, दूसरे टायर में से भी काफी इजीली निकल ही रही थी, वापस से ये इधर आकर फंस गई है गाइस। अब इसको थोड़ा सा मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लो भाई निकल चुकी है। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कहीं ये जली वली तो नहीं है। ओके, बिल्कुल सही सलामत है, कहीं से भी ये नहीं जली है गाइस। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा टफ है। अब इसको मैं जंप कराने वाला हूँ ये वाली आग के अंदर, ये लो भाई साहब इसने जंप लगा दी है और यहाँ पर ये धड़ाम से पलट गई है यार। ओ माय गॉड, मेरे को लगा था कि भाई ये सही तरीके से जंप करके आग में से निकल जाएगी, पर सैडली ये इधर आकर पलट गई थी। अरे यार, इसके साथ भी एक बड़ा सा पंगा हो चुका है, इसका रिमोट बिल्कुल भी कार से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मेरे को लग रहा है इसका रिसीवर खराब हो चुका है आग में गिरने के कारण, ये भी ट्रैक से आउट हो चुकी है। आप देखोगे इस तीन कार ट्रैक के ऊपर से खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। अब ये कार बची है, देखते हैं गाइस क्या ये ट्रैक के ऊपर से चल पाएगी या फिर नहीं। नाक तरीके से लग चुकी है यहाँ पे। ओके गाइस, चलो अभी इसको आग में से चलाते हैं। यहाँ पे आग का टॉर्नेडो आ चुका है पूरी तरीके से, कार काफी आराम से निकल चुकी है। भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, ओ माय गॉड, यहाँ पे आग इतनी तेजी से लग रही थी कि मेरे को लगा कि ये जल जाएगी। कार को कुछ भी नहीं हुआ यार, बिल्कुल सही सलामत है हमारी कार। यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो कवर है वो बेंड हो चुका है, बाकी बिल्कुल सही सलामत है अपनी कार। अब देखते हैं आगे जो आग लगेगी वहां से ये बचेगी या फिर मरेगी। ठीक है, अब मैं इसको जंप कराने वाला हूँ। ये इसने जंप लगा दिया है भाई साहब, ओ तेरी, बच के निकल चुकी है ये आग में से। इसकी हालत तो देखो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, पर ये कहीं से भी जली वली नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो। ओ माय गॉड, मजा आ गया यार। अब इससे आगे बढ़ाते हैं गाइस इसको, ये यहाँ से मैं इसको टर्न कराने वाला हूँ। अब इसके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी इसको। देखो यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए कुछ भी नहीं है, देखते हैं कार किस तरीके से ऊपर चढ़ पाती है। बहुत ज़्यादा इसको पावर लगानी पड़ेगी। ओ काफ़ी आराम से ऊपर चढ़ चुकी है, इससे आगे देखते हैं चढ़ पाती है या नहीं। ओ तेरी भाई, पीछे का टायर स्लिप हो रहे हैं, थोड़ा सा पीछे लेके स्पीड में चढ़ाएंगे इसको। ओहो, अब इसको ऐसे ही बैलेंस करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाला हूँ। आगे बहुत ही खतरनाक सी चीज़ें आने वाली है। अब ये दो भाई, ये लो भाई, यहाँ पर सामने के टायर इसके फंस चुके हैं, बिल्कुल भी यहाँ से निकल नहीं पा रही है। तो अब इसका गियर मैं चेंज करने वाला हूँ, ये मैंने चेंज कर दिया है। ओ भाई मज़ा ही आ गया यार। आप देखो गाइस, सबसे मुश्किल पार्ट यहाँ पे आ चुका है। अब हमारी कार लैडर को पीछे ढकेल पाएगी या फिर नहीं, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओ भाई पावर देखो इसका कितना ज्यादा है, वाओ, ओ माय गॉड, लैडर को इसने उठा के फेंक दिया है। पीछे ले लेता हूँ मैं इसको। ओ भाई मेरे को लग रहा है कि कहीं इसके टायर वायर ना पंचर हो जाए यार। ये चढ़ा दिया मैंने इसको ऊपर। ये अनबैलेंस होके साइड में पलट चुकी है। मेरे को पूरा भरोसा था कि ये कार काफी आराम से चढ़ाई कर लेगी, पर ये भी ट्रैक से आउट हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ XLF X03 बची है, देखते हैं गाइस क्या ये ट्रैक के ऊपर से निकलेगी या फिर ये भी जल के भस्म हो जाएगी पूरी तरीके से। मैं इसका पार्ट टू वाला वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा यार, क्योंकि ऑलमोस्ट देख रहे हो सभी कार्स यहाँ पे जल चुकी है। ओके, आग लग चुकी है, अब चलाते हैं XLF को। ये कार बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, इसकी परफॉर्मेंस तो देखो, कहीं पे भी ये जरा भी नहीं रुकी है। इतनी दूर तक मैंने इसको चला लिया है खतरनाक सी आग में। ओ काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है, इस तरफ दिखा देता हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ है। उर्रे, इधर देखो थोड़ा सा इसका भी जो बॉडी कवर है ये पिघल के अंदर आ चुका है। एक बार चला के देख लेते हैं, परफेक्टली चल रही है। अब इसको जंप कराना है, जंप कराते हैं गाइस। ये लो जंप लगा दी इसने, बच के निकल चुकी है हमारी XLF X03 मॉन्स्टर कार। सच में ये कार काफी ज्यादा टफ है, इतनी बड़ी बड़ी आग में से भी ये काफी इजीली निकल चुकी है। ओहो, एकदम आगे चली गई थी, थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले लेता हूँ। भाई जब से ये आग में गई है कुछ अलग ही बिहेव कर रही है गाइस, एकदम से थर्टल इसका
बढ़ रहा है। ओ तेरी, अब कम्प्लीटली अनबैलेंस हो रही है ये कार। अब इसको यहाँ से ऊपर चढ़ाते हैं। ओ सामने के टायर तो चढ़ चुके हैं, पीछे के टायर भी काफी आराम से चढ़ गए हैं गाइस। ओके निकालते हैं इसको यहाँ से। ओ काफी स्पीड से निकल चुकी है, अब लैडर के नीचे भी आ चुकी है। देखते हैं लैडर को धक्का मार के लेके जा पाएगी या फिर नहीं। ओ पावर देखो गाइस इसकी कितनी ज्यादा खतरनाक है। ओके लैडर को इसने धक्का मार के आगे बढ़ा दिया है। अब कार पीछे ले लेते हैं हम लोग, अब इसको चढ़ाते हैं ये कीलों के ऊपर। ठीक है देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से चढ़ पाती है। ओ काफ़ी इजीली चढ़ चुकी है, अब इसको नीचे उतारना है मेरे को यहाँ से। देखते हैं गाइस ये किस तरीके से नीचे उतरती है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सी ढलान है, ये मैंने इसको नीचे उतार लिया है। ओहो बिल्कुल भी पलटी नहीं है, मेरे को लगा था कि गाइस ये गिर जाएगी पर यहाँ पर आकर ये बच चुकी है। ओके लैडर के सीध में आ चुकी है, अब इसको चढ़ाते हैं गाइस धीरे धीरे लैडर के ऊपर। जरा सा भी बैलेंस खराब होने पर ये सीधा नीचे गिर सकती है। ओ गाइस ये कार यहाँ तक पहुंच चुकी है और ये है हमारे खतरनाक से ट्रैक की विनर। भाई मेरे को तो नहीं लगा था कि ये इधर तक पहुंचेगी, पर फाइनली गाइस ये कार आज जीत चुकी है। तो गाइस ये दोनों कार्स काफी ज्यादा पावरफुल है, अब इन दोनों के बीच में कराते हैं पुशबैक, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। चलो पूरी तरीके से रोक रखा है, अब फिर से एक बार ट्राई करते हैं गाइस, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। ओ तेरी, ओ भाई क्या ही सीन था यार, WL टॉयज कार ने XLF कार को पलट के रख दिया है। नो डाउट XLF कार काफी आराम से ट्रैक वाले टेस्ट पे तो जीत गई थी, पर पावर के मामले में क्लियरली यहाँ पे WL टॉयज जीत चुकी है। मजा आ गया गाइस, वीडियो पे लाइक जरूर से कर देना। आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है ज्योति प्रकाश, आयुष, शुजा, अर्णव, कार्तिक, अंश, निहाल, सौम्यदीप, दीपक, योगेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।